क्या आपने कभी सोचा कि मेडिसिन भी बनती है तो उसके अंदर भी क्या है? क्या मेडिसिन के अंदर बिना फाइव एलिमेंट की मेडिसिन बन रही है क्या? मेडिसिन भी एसिडिक है, बेस है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, मेडिसिन में भी तो यही है। तो कहीं ना कहीं कोई केमिकल फॉर्म में हम फाइव एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, कहीं हम वुड के फॉर्म में हम फाइव एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम साउंड के रूप में हम फाइव एलिमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कोई किडनी का पेशेंट है या स्प्लीन का पेशेंट है, वो पेशेंट गाने के लिहाज में बात करेगा। कोई गुस्से वाला लीवर का पेशेंट है, वो चिल्ला चिल्ला के बात करेगा। तो साउंड के आप सुनते, अगर किसी के गुस्से का चिल्लाने का साउंड सुन रहे, तो मतलब इसका मतलब क्या है? लीवर अच्छे से। तो साउंड में फाइव एलिमेंट, वाट कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी, फिथ कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी, कफ कॉन्स्टिट्यूशन का, टेम्परामेंट का। जब ये यूनिवर्स नहीं बनी है, एक एक सेल, एक एक बैक्टीरिया, एक एक वायरस, जो भी इस पृथ्वी हमारे पर, इस ग्रह पर रजिस्ट कर रहा है, एक्जिस्ट कर रहा है, वो तो सब कुछ फाइव एलिमेंट है। ये आज से आप मान लीजिए, मानने वाली बात नहीं है, है ही।